प्रमोद तिवारी। एक सीधा सा सवाल मेरा है, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हम गर्व की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात कर रहे हैं, पर मुझे याद आ रहा है 2013 में हमारे एक सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरती है तो देश का मान सम्मान गिरता है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन रे भाई, क्वेश्चन भी आ रहा है सर, थोड़ा बनाना पड़ता है। तो सर मैं सिर्फ सीधा एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन, अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव में क्या समाप्त होने के पहले डॉलर रुपए के मुकाबले प्रधानमंत्री जी की उम्र से नीचे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये सीधा सवाल है। प्रधानमंत्री विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली द क्वेश्चन यू हैव टू रिप्लाई। It will not go on. It's irrelevant. Sir, माननीय प्रमोद, सर माननीय प्रमोद तिवारी जी बहुत सीनियर है, वरिष्ठ है, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री गुजरात तब की इंडियन करेंसी के ऊपर उनके अपने बयान दिए, इसलिए दिए कि बाकी सभी पैरामीटर्स के ऊपर भी भारत देश का हालात बहुत गंभीर परिस्थिति में आ गए, फ्रजाइल फाइव में ले आए, इकॉनमी फ्रजाइल फाइव में एक हो गया था। सुनिए ना, जवाब तो सुनना चाहिए ना, प्लीज जवाब सुनिए, क्योंकि मैं प्रश्नों को ध्यान से सुनती हूं और जवाब देने के लिए कष्ट करती हूं, कोशिश करती हूं, मेरी जिम्मेदारी मानती हूं, सो प्लीज मेहरबानी करके सुनिए। तब की मुख्यमंत्री गुजरात और अब की प्रधानमंत्री जी तब ये बयान देने का कारण क्या है, इकॉनमी में डबल डिजिट इन्फ्लेशन 22 महीने तक चला और कोई रुकावट नहीं था उसमें, फ्रजाइल फाइव इकॉनमी हो गया था उस समय, और भारत देश का इकॉनमिक सिर्फ वो टेपर ट्रांटम के वजह से इतना गंभीर हालत पहुंचे। आज देख लीजिए, पैंडेमिक है, पैंडेमिक से रिकवरी है, सेकेंड वेव है, ओमिक्रॉन है, यूक्रेन रशिया वॉर है, पूरे दुनिया के सप्लाई चेन टप पड़ा हुआ है, भारत देश का करेंसी अभी बरकरार और स्ट्रांग रह रही है, उसको ध्यान रखिए अमृत काल में। क्वेश्चन नंबर 167।